चाहे और दूर बहुत है तारे फिरते हुए सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे सदियों के भंवर बहते हैं अनगिनत हैं समय के धारे और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है आकाश बहुत ऊंचा है यार मुझे तो पूरा यकीन हो चला है किस बात का कि इस बार हम सबको सुम बैठा रहना पड़ेगा अरे लेकिन अरे अपनी बात तो पूरी करने दे हाँ बिल्कुल सेंटेंस पूरा खत्म नहीं होता और बीच में ही पूछ बैठता है किस बात का क्या मतलब ओहो अब टेंशन में और टेंशन मत बढ़ाओ पहले से ही हम ड्रामा के टेंशन में हैं साथियों मैं भी उसी टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ किस बारे में फिर टोका प्रोफेसर सक्सेना पता ही नहीं कब से गायब है ट्रॉफी जीतना तो दूर की बात है मुझे नहीं लगता इस बार इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन में हम लोग ड्रामा ले जा रहे हैं ऐसा नहीं होगा ऐसा हो रहा है ऐसा ही होगा समझ नहीं आ रहा कल ही मैंने लाइब्रेरी में देखा था हाँ उनके चारों तरफ किताबें थी और बीच में उनका परेशान सा चेहरा नजर आ रहा था बात हो गई अब मैं कुछ बोलूं कल मैंने उनको रद्दी की दुकान पे देखा था पता ही नहीं क्या कर रहे थे किताबें उठाए जा रहे थे किताबें रखे जा रहे थे बेचने गए होंगे नहीं नहीं वो सारी की सारी किताबें ड्रामे की पुरानी किताबें थी मतलब साफ है वहाँ भी नाकामयाब रहे होंगे अरे प्रोफेसर सक्सेना सुनिए मैं खाली हाथ नहीं आया लेकर आया हाँ सर बताइए मैं पहले प्रिंसिपल साहब से मिलूं हाँ तो प्रोफेसर सक्सेना जी सर आप ही का इंतजार था जी लगता है पिछले 6 साल से जो ट्रॉफी हमारे बच्चे जीत कर ला रहे थे वो इस साल नहीं ला पाएंगे बल्कि ड्रामा ही नहीं हो पाएगा नहीं सर ऐसा नहीं होगा ड्रामा होगा कैसा ड्रामा सूरज का परिवार सूरज का परिवार सूरज का परिवार जी एक नया ख्याल सूरज का परिवार से है संसार सूरज इनका ये सूरज के सूरज का परिवार ये है सूरज का परिवार ये है सूरज का परिवार सब करते हैं सूरज की नित अपनी ये परिक्रमा सब करते हैं सूरज की नित अपनी ये परिक्रमा हर पल लेकिन एक दूजे से नाता भी तो इनका हर पल लेकिन एक दूजे से नाता भी तो इनका
अपने अपने गुण हैं सबके, अपना है व्यवहार, ये है सूरज का परिवार, ये है सूरज का परिवार। सूरज हूँ मैं हूँ सूरज, अनगिनत इन तारों में एक तारा, मुझको ही कहते हैं सारे इस जगत का सहारा। मैं हूँ सूरज, मैं हूँ सूरज, मैं भी हूँ एक तारा। अब तलकना कोई मुझ तक है पहुँच ही पाया, ना अभी तक भेद मेरा है किसी ने पाया। ये मेरा परिवार देखो सबसे है जो न्यारा। मैं हूँ सूरज, मैं हूँ सूरज, मैं भी हूँ एक तारा। ये है बुध शुक्र और पृथ्वी, वो है मंगल देखो, ये यूरेनस बृहस्पति और वो है नेपच्यून प्लूटो, और शनि का भव्य सुंदर है पृथक ही नजारा। मैं हूँ सूरज, मैं हूँ सूरज, मैं भी हूँ एक तारा। मैं हूँ सूरज, मैं हूँ सूरज, सूरज हूँ मैं। लाए मुझे क्या बात है, क्या राज है। गोद में पलता है मेरी जीव एक इंसान है, आकाश में उड़ने लगा इसकी अलग पहचान है, आकाश में उड़ने लगा पर जान के मिट जाएगा जो मेरे निकट आया जरा। जानता है सब मगर है इतना बुद्धिमान ये, करता असंभव को है संभव और कठिन आसान ये। भेद इस ब्रह्मांड के ये पुतला हाड़ और मांस का, ये जीव एक दो सांस का, जानेगा ब्रह्मांड के ये भेद सब आरंभ से। हंसो नहीं सूरज, हंसो नहीं,
तुम ही खुद पूछ लो इससे अभी, जानता है ये हमारे सत्य और किससे सभी। अच्छा, क्या भला कहते हैं इसको और इसका नाम क्या? इस खिलौने का कहो ब्रह्मांड में है काम क्या? जितनी भाषा जितनी बोली बोलते इंसान है, इतने ही भिन्न भिन्न जगों पर भिन्न इसके नाम है। कोई इसकी साधना को देख से साधक कहे, साइंटिस्ट कहता कोई और कोई वैज्ञानिक कहे। ओ वैज्ञानिक, ओ वैज्ञानिक, ओ वैज्ञानिक, रुक जरा मेरी बातें गौर से तू, ओ वैज्ञानिक सुन जरा। कौन है ये, कौन है, टोका है किसने मुझे, आवाज किसकी ये भला, रोका है किसने मुझे। मैं हूँ सूरज अनगिनत इन तारों में एक तारा, मैंने ही आवाज देकर तुमको है पुकारा। कहती है पृथ्वी कि तुम तो ज्ञान का भंडार हो, देखा है तुमने निकट से मेरे इस संसार को। मैं भी जानू क्या है रिश्ता एक दूजे से हमारा, मैं हूँ सूरज, मैं हूँ सूरज, सूरज हूँ मैं। ये जो पृथ्वी है तुम्हारी मेरी माता है, सुनो जो कहा इसने वो मुझसे, टाला जाता ना सुनो। ज्ञात है जितना मुझे, सहर्ष मैं बतलाऊंगा, पूछते जाओ तुम्हें उत्तर मैं देता जाऊंगा। पर समय की है कमी, ये ध्यान रख ले ना जरा, मुझको जाना दूर बस इतना समझ लेना जरा। अच्छा तो जरा बतलाओ मुझको, क्यों भला ग्रह घूमते हैं सबके सब अपनी धुरी पर ही, भला क्यों घूमते हैं, करते क्यों है उस दिशा में ही तो सारे परिक्रमा, जिस दिशा में खुद ही सारे जाने कब से घूमते हैं। इस प्रश्न के पीछे छिपी दिलचस्प कुछ बातें पुरानी है, ग्रहों के जन्म से जिसकी जुड़ी अपनी कहानी। हम ग्रहों के जन्म की है कहानी भी सुने, आओ मिलकर ध्यान से बातें जरा इनकी सुने। पिछली सदी में एक वैज्ञानिक हुआ था, नाम था जिसका पियर साइमन डी लाप्ला। कल्पना में ही उसने ये किया आभास, देखो ऐसा आभास जिसपे हुआ विश्वास, कि बादल था आद्य गैसों का जो, सिकुड़ता गया धीरे धीरे से वो, अपने कणों के बीच का खिंचाव था इस सिकुड़ने का एक कारण। खिंचाव की इस शक्ति को हम कहते रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। सुनो जो मैं सुनाता हूं, देखो जो मैं दिखाता हूं। और थे एक वैज्ञानिक आइज़ैक न्यूटन,
उनके ही गति के नियमों के मुताबिक घूमे अपनी ही धुरी पे कोई चीज जब एक शक्ति वो पैदा करती है तब उसी चीज को ही फिर यही शक्ति अपनी ही धुरी से है दूर फेंक देती। ठीक उसी तरह ये गैस का बादल सिकुड़ता गया गुरुत्वाकर्षण के कारण। जाग कुम्हार का होता है जैसे गया फैलता वो देखो ऐसे। बनी केंद्र बादल के बीच की धुरी और बाहर का हिस्सा बना एक थाली। यही केंद्र सूरज बना बाद में गोला एक दहकता हुआ आग में। और टूटी जब थाली बहुत फैल कर बने पिंड बिखरे बहुत दूर तक। ये थाली घूम रही थी जिस तरफ लगे पिंड भी घूमने उसी तरफ। घूम रहे हैं उसी तरह उसी तरफ अब तलक भी उसी तरफ उसी तरफ। हम हैं हम साथी एक गगन के झूमे घूमे हम घूमे होके मगन से। हम साथी एक गगन के झूमे घूमे हम घूमे होके मगन से। अपनी अपनी धुरी पर हम एक दिशा में घूमे हम एक दिशा में घूमे। मुझको तुम ये भेद जरा बतलाओ मेरी चाल ही भिन्न भला क्यों तनिक मुझे समझाओ। हाँ यूरेनस नहीं तुम्हारी धुरी केंद्र में इतनी बात समझ लो इस कारण ही भिन्न तुम्हारी शायद चाल समझ लो। पर ठहरो चंद रोज तुम्हें हम पूरी बात बताएंगे सही सही निश्चित जो कारण खोज तुम्हें समझाएंगे। अपनी बुद्धि पर क्या तुमको सचमुच इतना है गरूर होना जाए एक दिन देखो टूट के ये खुद चूर चूर। नहीं यूरेनस गरूर नहीं ये आत्मविश्वास वैज्ञानिक का बन जाएगा एक दिन सच्चा ये इतिहास वैज्ञानिक का। आगे कहो मैं सब समझता जा रहा एक के फिर बाद दूजा भेद खुलता जा रहा। हाँ भारी थे जो ग्रह खुद में सुनो शीतल हुए फिर हुए ठोस वो बुद्ध भी तो उनमें से ही एक है। देखो जो सूरज के सबसे निकट है पर थे पिंड जो गैसीय एवं हल्के दूर बहुत दूर वो जाकर के छिटके। धीरे धीरे जब ताप कम होता गया हर पिंड ठंडा होकर ठोस होता गया। कारण यही दूर सबसे हुआ है सूरज से दूर प्लूटो छिटका हुआ है।
खुद बड़े पिंड थाली के बन गए थे ग्रह, या कई पिंडों से मिलकर बना हर एक ग्रह। पर जो पिंड कोई भी ग्रह ना बने, वो प्यारे से देखो एस्ट्रॉइड बने। तुम धन्य हो हे पृथ्वी, मैंने माना है ये कैसा बुद्धिमान, तेरा बेटा मैंने जाना। प्रश्न कोई और हो तो पूछ सकते हो अभी, कैसी भी शंका हो मन की पूछ सकते हो अभी। एक प्रश्न मेरा है ऐसा ही बहना, लू पूछ मैं भी जो तेरा हो कहना। देखो कहीं प्रश्न इसको न भाए, सुन के इसे कहीं चक्कर न आए, या फिर चक्कर तुमको ही आए, सुनते ही उत्तर ये तुमको ही भाए। क्या स्वयं तुमने वो देखी थी थाली, या फिर कल्पित सी बातें है खाली। बिना कोई प्रमाण कहते नहीं हम, सपनों में रुचि रखते नहीं हम। छोड़ो चलो अब दूं उत्तर तुम्हारा, तुमको दिखाऊं ये सच्चा नजारा। अभी सन 1983 में हमने एक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था अपने, हाँ, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, जिसका नाम था इंफ्रारेड किरणों को ग्रहण करना ही जिसका काम था। किसी तारे के गिर्द जब आद्य गैसों की बनती है थाली, तब निकलती है उसमें से किरणें ना दिखने वाली। उनमें से ही एक ऐसा है तारा, नाम है वेगा, बहुत प्यारा प्यारा। वेगा के गिर्द बनती हुई जो थाली है ऐसी, उम्र बताती सूर्य से बहुत छोटी है उसकी। अभी तो ग्रह भी उसके बने ही नहीं, निकट या दूर अभी तक दिखे ही नहीं। अब जबकि दूरबीन अंतरिक्ष में लगी है हमारी, और भी ये जानकारी बढ़ेगी हमारी। अपने ही सूरज के परिवार जैसा, ब्रह्मांड में कोई तारा है वैसा, वहां भी हो शायद ऐसी ही पृथ्वी, पृथ्वी पे जीवन की ऐसी छवि भी। सच खुशी होगी हमको तो उस दिन, जब पाएंगे दूजे ग्रहों पे भी जीवन। मिल तो गया होगा अब तुमको उत्तर, आए नहीं क्या सुन कर के चक्कर। सच में ही पृथ्वी ये तो है ज्ञानी, धन्य है तू तेरी सुंदर निशानी।